पहुंचने पे खादरी इसको 8,000 रुपये पे कासिम खादरी को बेचता है, खादरी इसको 12,000 रुपये पर केजी पे चांद को बेचता है मुंबई में। चांद के पास ले जाकर ट्रांसपोर्ट में उसको बेचता है और उसके पास 1 ग्राम ऑफ ब्राउन शुगर एट 1100 रुपीज़, मतलब 1100 रुपये 1 ग्राम ब्राउन शुगर का पे एक्सचेंज करता है उस पर। तो 10 ग्राम का होता है 11,000, तो ये 1 केजी और वो 10 ग्राम का उसका कंपैरिजन हो जाता है। तो वो ब्राउन शुगर लेके आके यहाँ पर उसका एक शहीद कमाल है, उसका पेडलर है जो इसका इसकी यहाँ बांटता है उसको, तो कमाल को वो बेचता है 5,000 से 7,000 के रुपए पे। तो उसके बाद वो और दूसरे लोगों को 8,000 से 10,000 तक उसको बेचता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्रॉफिट होता है इनको और उसके वजह से यहाँ पर कंजम्पशन भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इन सबको अरेस्ट किया गया है ये गैंग को डिटेक्ट करने में। और ये बीच आप देखे हैं कि हैदराबाद एयरपोर्ट में 10 दिन में 4 बड़े-बड़े सीजर हुए हैं। 14 केजी हेरोइन जिसका वर्थ है 125 करोड़, 125 करोड़ का कोकेन सीआर, 4 लोगों से 4 डिफरेंट ट्रिप्स में। तो तरीके हर तरीके से लेकर आ रहे हैं, अपने पेट में इसको स्वॉलो करके पेट में लगा कर लेके आ रहे हैं पिल्स के रूप में, नहीं तो बैग्स में एक कंपार्टमेंट्स में लगा कर लेकर आ रहे हैं। तो इसका क्या है कि यहाँ पर लोकल डेड एंड पे पहुँच रहा है इन्वेस्टिगेशन। तो ये किसको देना है, वो आदमी जो है रिसीवर जो ये देश में है उसका समाचार ये सेंट्रल एजेंसीज को नहीं मिल रहा है, लाइक DRA लोग पकड़े हैं, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी चांद को देने वाला एक आदमी है, उसका नाम है महेश इलियास रईस, वो मुंबई में हमको मिला नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं एयरपोर्ट में और ये जो छोटे सप्लाईज हो रहे हैं इस तरीके से, और वो रईस जैसे महेश जैसे आदमियाँ जो हैं उनके द्वारा ये मिसिंग लिंक हमको मिल जाएगा, तो हम उसको ज़रूर पकड़ेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, बहुत एजेंसीज हैं इसमें, करीब करीब 10 एजेंसी इसमें मिलके काम करने की ज़रूरत है, वो है NCB, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, एनफोर्समेंट ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट IB, कस्टम्स CISF, Women's wear, men's footwear, kids wear, men's textiles. निखार मेहंदीपट्टनम पत्रगटी चोरी चौकी हैदराबाद।